144 जन नुआ आईपीएस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र युव अधिकारी गुरुदायित्व महिला अधिकारी भूमिका गुरुत्वपूर्ण नूतन संकल्प उद्देश्य सहित आगको बढ़िया पड़ अपराधर मुकाबला नूतन परीक्षण आवश्यक फिटनेस को मजबूत रखा परामर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तालीम प्राप्त आईपीएस अधिकारी कथबार्ता ट्रेनी आईपीएस अधिकारी अनेक प्रश्न पचारिबा सहित अनेक परामर्श लोड़ी प्रधानमंत्री सेमानंकर युव नेतृत्व देश को विकास पथरे आगको नेबारे सहायक हेबो सूचना योग्य आईपीएस अधिकारी तालीम नुआ दिल्ली रा सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी रे जारी रही अवसर रे ट्रेनी महिला अधिकारी मानक सहित आलोचना करिछंती प्रधानमंत्री देश में बेटियों की नई पीढ़ी को भी प्रेरित करने वाली है। आज पुलिस में बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आपका कोई सुझाव हो या फिर आपके कोई अनुभव हो तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। महिलाओं के लिए मैं जरूर कुछ करूंगी ताकि उनकी एजुकेशन में स्पेसिफिकली कोई कमी ना आ सके सर, जैसा भी हो सका मैं उनके लिए जरूर कुछ करूंगी। पुलिस ट्रेनी अधिकारी को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहिछंती नूतन संकल्प उद्देश्य सहित आगको बढ़िबाको पड़िबो अपराधर मुकाबला पई नूतन परीक्षण आवश्यक विशेष भाव युववर्गर पुलिस एक गुरु दायित्व रही बेले महिला अधिकारी भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण से देश सेवार पुलिस अधिकारी योगदान सबुठू अधिक उपयोगी होता प्रधानमंत्री एस पुलिस अधिकारी निजर फिटनेस को मजबूत रखा परामर्श कारण निजे फिट रे समाज सेवा ठिक भाव करें सत्याग्रह आंदोलन में जेपरी गांधी ब्रिटिश मानकर मूलदुआ को हलाई सेपरी देशर युववर्ग देश को सुदृढ़ रखा को समस्त प्रकार बाधा विघ्न को सामना करी देश को सुरक्षित रखा ही सेमानंकर मूल कर्तव्य होगा उचित। आसंता अगस्त 15 रे देश 75 वर्ष पालन करने को जाउची आगको 25 वर्ष देश पाई सबुठारु अधिक महत्वपूर्ण देश स्वाधीन हेबार 100 वर्ष पूरण होगा 25 वर्ष बाकी बेले से देशर सेवा करने को सौभाग्य मिली यही समय मध्य युव पुलिस अधिकारी माने निजर संकल्प पराक्रम और दक्षता द्वारा देशर आईन व्यवस्था को सशक्त करें प्रधानमंत्री 25 साल बाद जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी कितनी सशक्त होगी वो आपके आज के कार्यों पर भी निर्भर करेगी। आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्य अनुशासित भारत की इमारत का निर्माण होगा। समय ने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है। वर्तमान साइबर अपराध एक बड़ा समस्या होई अपराधी मानक ठारु देशर जनता को बचाइबा पई पुलिस बाहिनी को जरूरी पदक्षेप नेबा को पड़िबो। पुलिस स्टेशन मानकरे डिजिटल सचेतनता रहिबा अत्यंत जरूरी एति पई एक अभियान आवश्यक एहा किपरि ठीक भाबरे कार्यकारी होई परिबो एने नूतन पुलिस अधिकारींकर परामर्श थिले तहा सेमाने मंत्रालय को पठंतु बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। अपराध को थानों जिलों राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है। इससे निपटने के लिए सरकार अपने स्तर पर अनेक कदम उठा रही है लेकिन इसमें पुलिस को भी नीत नए इनोवेशन करने होंगे। डिजिटल अवेयरनेस को लेकर थाने के स्तर पर विशेष अभियान चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा मेरी आप सभी युवा अफसरों से ये आग्रह रहेगा कि आपके पास भी अगर इस विषय में कोई सुझाव हो तो आप मेरे तक जरूर पहुंचाइए, होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए, क्योंकि आज
ये जो यंग फोर्स हैं, जिनको इसके बैकग्राउंड होने के कारण उनके विचार इस लड़ाई में बहुत काम आ सकते हैं। तेबे एही ट्रेनी पुलिस अधिकारी माने प्रधानमंत्री को सेमानकर भविष्यत योजना विषय सूचना देबा सह निजर अभिज्ञता मध्य पांटिथिले। एही अवसर रे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद प्रमुख उपस्थित मध्य थिले। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।